हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव घरेलू उपाय लेकर आया हूं। अगर आपके जोड़ों में कहीं दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, कोहनी में सर्वाइकल पेन है, या फिर पिंडलियों में दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है, तलवों पे दर्द होता है, यानी शरीर के किसी भी हिस्से में मसल पेन है, या फिर हड्डियों के जोड़ों में दर्द है, या फिर नसों से संबंधित किसी तरह की समस्या की वजह से अगर दर्द है, तो उसके लिए मैं आपको एक आयुर्वेदिक तेल बनाने का विधि बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, जिसे आप घर पर बनाकर इस तेल से अगर मालिश करोगे तो इस तरह की तमाम तरह की जो दर्द की समस्या है आपकी, वो ठीक हो जाएगी। कहीं पे भी दर्द हो, इस तेल से जरूर मालिश कीजिएगा। दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त आजमाया हुआ घरेलू उपाय मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। और ये जो उपाय है, ये उपाय आज का नहीं है, हमारी दादी नानी द्वारा बताया गया उपाय है और ये पूरी तरह से नेचुरल है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, चलिए जानते हैं इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है। बहुत ही आसान है तैयार करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गार्लिक लेंगे, यानी कि लहसुन हमें ले लेनी है। लहसुन के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो कि घुटनों के दर्द, सूजन को खींचने में मदद करती है। पीठ व कमर दर्द है, शरीर में अकड़न जकड़न की समस्या हो गई है, या फिर कहीं नस दब गया हो, नसें श्रिंक हो गई हो, नसों में सूजन हो गया हो, गांठ पड़ गई हो, तो उसमें भी यह लहसुन आराम दिलाने में मदद करती है। इसके साथ ही लहसुन पुरुषों के अंदरूनी हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है। लहसुन को घी में भूनकर दूध के साथ अगर सेवन करते हैं तो यह अंदरूनी ताकत को बढ़ाता है, स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को दूर करता है। इसके साथ साथ जोड़ों व घुटनों के दर्द, गठिया, अर्थराइटिस के दर्द से भी राहत दिलाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 से 5 लहसुन की कलियां ले लेंगे। अगली चीज हम यहाँ पर लेंगे प्याज, यानी कि अनियन। प्याज के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो ज्वाइंट्स के अंदर मौजूद कार्टिलेज यानी ग्रीस को बढ़ाने में मदद करता है, ज्वाइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी लाने में मदद करता है। इसके लिए आपको प्याज को खाना पड़ेगा। शरीर में अगर कहीं भी दर्द हो ना, तो लहसुन और प्याज को खाना शुरू कीजिए। और साथ में आपको बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में तेल बनाने की विधि। आपको मैं लहसुन और प्याज का तेल बनाकर बताऊंगा। इसके बनाए हुए तेल से अगर आप शरीर में कहीं भी मालिश करेंगे तो आपको 100% फायदा मिलेगा। बाजार में मिलने वाले जितने भी दर्द निवारक तेल हैं, उनसे कई गुना ज्यादा फायदेमंद आज हम तेल बनाने वाले हैं। आप भी घर पर बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लहसुन की कलियों को छील लेना है, प्याज को छील लेना है, प्याज को 4 से 5 टुकड़ों में कट कर लेना है। इसके बाद लहसुन और प्याज को कूट लेना है। अगर घर पर आपको इस तरह का कूटने का हो तो आप इसे कूट लीजिएगा। कूट कर इसे बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर नहीं कूट सकते हो किसी कारणवश, तो आप इन्हें ग्राइंडर जार में डालिए और इसे दरदरा पीस लीजिए। आपको इसका महीन पेस्ट नहीं बनाना है और लगातार इसे चलाना नहीं है, रुक रुक कर चलाइए और इस तरह से आपको तैयार कर लेना है। ये देखिए, हमने कूट कर तैयार कर लिया है, इसका पेस्ट नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा। अब हमें चाहिए होगा तेल, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 50 से 60 ग्राम सरसों का तेल। देखिए, सरसों का तेल मालिश के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा तिल का तेल आप ले सकते हैं, या फिर जैतून का तेल भी ले सकते हैं, यानी कि ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। इस तीनों में से किसी एक तेल का आप इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत से लोगों को कड़वा जो तेल होता है, सरसों का तेल जो है, इसकी स्मेल पसंद नहीं आती, तो वे लोग तिल का तेल या फिर जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों ही तेल मालिश के लिए बहुत अच्छी होती है। अब हमें क्या करना है, कढ़ाई लेनी है। अगर आपके घर पर लोहे की कढ़ाई हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आपके पास जो भी हो मौजूद कढ़ाई ले लीजिए। तेल डाल लीजिए, जब तेल हल्का सा गर्म हो जाए तो लहसुन और प्याज को इसमें डाल देना है और इसे धीमी आंच पर पकने देना है। आपको इन्हें तेज आंच करके जलाना नहीं है, बिल्कुल धीमी आंच में आराम से इसे पकने देना है। लगभग 7 से 8 मिनट लगेंगे आपको इसे पकाने में। जब तक प्याज ब्राउन कलर का ना हो जाए, है ना, अच्छे से पक ना जाए, तब तक आपको इसे पकाना है। देखिए, हमने इसे पका लिया है। पकाने के बाद इसे ठंडा होने देना है और ठंडा करने के बाद इन्हें छान लेना है। छान कर किसी कांच की शीशी में भरकर रख देना है। ये आपका दर्द निवारक तेल बनकर तैयार हो गया है। बाजार में कितनी भी महंगी दर्द निवारक तेल है, इसके आगे वो भी फेल है। जी हाँ, समझिए बात को, घर पर बनाइएगा और इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अभी ठंड का मौसम शुरू हो रहा है और ठंड के मौसम में बड़े बुजुर्गों को, या फिर जिनको भी हड्डियों में चोट की समस्या है, उसका दर्द फिर से वापस आ जाता है। तो ठंड के मौसम में जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, या फिर कमर दर्द की तकलीफ बढ़ जाती है, तो उन लोगों के लिए उपाय बहुत ही कारगर है। इस तेल से आप मालिश करोगे तो शरीर में गर्माहट भी रहेगी और ये दर्द को खींचने का भी काम करेगा। तो इस तेल को मालिश करने से पहले क्या करना है, तेल को गर्म करना है। तेल को आपको गैस में चढ़ाकर या फिर आग में गर्म नहीं करना है,
आपको हथेली में लेना है, हथेलियों को रब करना है आपस में, तेल में गर्म आहट आ जाएगी और इस तेल से शरीर के किसी भी हिस्से पे मालिश कीजिए। करके तो देखिए, यकीन मानिए बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, इसका इस्तेमाल कीजिए। घर पे इसे जरूर बनाइएगा, ठंड का मौसम आ रहा है, आप एक साथ बनाकर रख सकते हो और इसका इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में जैसे मैंने बताया कि प्याज और लहसुन खाना शुरू कर दीजिए, वो भी कच्चा। दोपहर को जब भी खाना खाते हो तो सलाद के रूप में कच्चा प्याज जरूर खाइए, जो आपके पूरे शरीर को हेल्दी रखने का काम करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा। और अब तक आपने रुद्र होम रेमेडीज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।